मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास सिक्स का इंग्लिश ग्रामर का जो फर्स्ट चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, इसका हम लोग स्टडी रिज्यूम करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेंटेंस तक का हमने स्टडी कर लिया था। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, तो आप जरूर पूछिएगा वीडियो पोस्ट करके या फिर अपने क्वेश्चन को पोस्ट करके। तो आज फिर से मैं सेंटेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सेंटेंस के डेफिनेशन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी किताबें खोल लेंगे और ध्यान से देखेंगे। तो सेंटेंस भी आ जाइए जो कि फर्स्ट पेज नंबर 5 पर है। इसमें बताया जा रहा है कि सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस। सो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि शब्दों का एक समूह होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक शब्दों का एक ग्रुप होता है, शब्दों का एक समूह होता है, और वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होता है, एक खास ऑर्डर में जो कि ग्रामर के नियमों से बना होता है। स्टूडेंट्स, तो सेंटेंस हो गया शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि ग्रामर के नियमों से बना होता है, अरेंज किया होता है, और वो एक कंप्लीट मीनिंग देता है। ओके स्टूडेंट्स, वो एक कंप्लीट मीनिंग देता है। तो उन शब्दों के समूह को जो कि एक कंप्लीट मीनिंग देता है, उसे हम लोग इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो अब हम लोग पेज को टर्न करेंगे। आगे बताया जा रहा है, अ सेंटेंस मे हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। एक सेंटेंस के बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 है फ्रेज, और नंबर 2 है क्लॉज। तो फ्रेज और क्लॉज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर सेंटेंस को समझना है तो फ्रेज और क्लॉज को समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए सबसे पहले फ्रेज देखते हैं कि फ्रेज किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ेंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ वर्ब इज कॉल्ड अ फ्रेज। फ्रेज भी शब्दों का एक ग्रुप होता है, वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है, और स्पेशली वन दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो जो फ्रेज है, ठीक है, ये भी शब्दों का एक समूह होता है, और ये भी एक सेंटेंस, ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है, ठीक है। और आगे कहा जा रहा है कि इनफैक्ट इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फॉर्मिंग अ शॉर्ट एक्सप्रेशन। तो ये वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप है जो कि एक शॉर्ट एक्सप्रेशन फॉर्म करता है, यानी कि एक ऐसा आधा आधे अधूरे मीनिंग वाला हम लोग शब्दों का समूह कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेज क्या हो गया? शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि कंप्लीट मीनिंग दे देता, ठीक है, जो कि एक इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। मीनिंग देता है जरूर, लेकिन आधा अधूरा, कंप्लीट मीनिंग दे देता, जैसा कि सेंटेंस देता है स्टूडेंट्स। और आगे सेकेंड एग्जाम्पल है क्लाउज। तो क्लाउज को इसका डेफिनेशन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो क्लाउज हम लोग, क्लाउज भी वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, ठीक है। और ये भी क्या करता है? ये भी एक सेंटेंस की रचना करता है, ये भी एक सेंटेंस को बनाता है, या फिर एक बड़े सेंटेंस का एक छोटा हिस्सा ये बनाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसे क्लॉज कहा जाता है। इसे अगर आसानी से समझा जाए तो क्लॉज किसे कहते हैं? क्लॉज एक बड़े सेंटेंस का एक वो छोटा हिस्सा होता है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, अपना प्रेडिकेट होता है। तो इसके बाद हम अब हम समझेंगे आगे पैराग्राफ के बारे में। तो अ पैराग्राफ इज अ डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ अ रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट।
पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ जो होता है एक सेक्शन होता है, एक पार्ट होता है, जिसमें एक रिटेन सेक्शन होता है या फिर प्रिंटेड टेक्स्ट होता है। यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल सेंटेंसेस। इसमें यूजुअली एक जो पैराग्राफ होता है वो बहुत सारे सेंटेंसेस से मिलके बना होता है, ठीक है। और इसमें एक सिंगल थीम, एक सिंगल टॉपिक के ऊपर बात की गई होती है। एक सिंगल टॉपिक के ऊपर उसके बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे गए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे इसमें बताया जा रहा है अदर ग्रामेटिकल टर्म्स। तो पैराग्राफ से रिलेटेड जो अदर ग्रामेटिकल टर्म्स है वो है प्रीफिक्स, सफिक्स और पार्टिकल। आइए देखते हैं कि ये प्रीफिक्स, सफिक्स और पार्टिकल्स क्या है। तो prefix is a form which is not an individual word but is added to a word and is placed at the beginning of word. तो prefix भी letters का group होता है, ठीक है। एक word होता है जो कि हम किसी एक word के उसके पहले उसको लगाते हैं और इससे क्या होता है कि उस word का meaning बदल जाता है। अब यहाँ पर example देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेन वर्ड है वो है, यहाँ पर तीन एग्जाम्पल दिए गए हैं प्रीफिक्स का, जैसे तीन वर्ड्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, पॉसिबल, बिलीव और रेगुलर। तो जरा देखिए, पॉसिबल के पहले प्रीफिक्स आई एम, इन लगाया गया है और ये दोनों मिलकर के एक नया वर्ड बना रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल बन गया। सेकेंड एग्जाम्पल देख लें, इसमें जो मेन वर्ड है वो है बिलीव और उसके पहले प्रीफिक्स ऐड कर दिया गया है जो है डी आई एस, डिस, और एक नया वर्ड क्या बना, डिसबिलीव। और थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए, रेगुलर मेन वर्ड है वो है रेगुलर और उसके पहले जो प्रीफिक्स ऐड किया गया है वो है एरर। तो इससे जो नया वर्ड बना है वो है इरेगुलर। फ्रेंड्स, तो प्रीफिक्स हम लोग एक ऐसे वर्ड को बोलते हैं जो किसी और वर्ड के पहले हम लोग उसे ऐड करते हैं और उसे ऐड करके एक नया वर्ड बनाते हैं। उसी तरह से सफिक्स भी होता है। Suffix is a form which is not an individual word but is added to a word and is placed at the end. तो जहाँ prefix को हम लोग किसी main word के पहले add करते थे, ये जो suffix है, suffix को हम लोग किसी word के last में add करते हैं। और इसका function बिल्कुल same है, ये भी हम लोग main word के साथ किसी और word को add करके एक नया word बनाते हैं। जिसके example देख लीजिए, पहला इसमें एक main word है mercy और इसमें suffix add किया गया है full। तो दोनों को मिला करके हम लोग एक नया वर्ड बनाते हैं, मर्सीफुल। सेकंड एग्जांपल, मेन वर्ड है गोल्ड और इसमें जो सफिक्स है वो है एन और ये दोनों मिला करके हम लोग एक नया वर्ड बनाया है, हमने गोल्डन। तीसरा एग्जांपल है, मेन वर्ड है बोरो और इसमें जो सफिक्स वर्ड यूज किया गया है वो है ई आर, एयर। और इन दोनों वर्ड को मिला करके नया वर्ड बनता है वो है बोरोवर। आगे देखेंगे थर्ड एग्जांपल के पार्टिकल। तो ये पार्टिकल किसे कहते हैं? तो कहा जा रहा है कि प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड सम सॉर्ट एडवर्ब्स आर सम टाइम्स ग्रुप टुगेदर आर कॉल्ड पार्टिकल्स। तो बहुत तरह के वर्ड्स, इस एग्जांपल में बहुत सारे वर्ड्स को सम्मिलित करके मिला करके हम लोग एक कॉमन नाम देते हैं, उसको कहते हैं पार्टिकल। इसमें प्रीफिक्स भी आ जाते हैं, सफिक्स भी आ जाते हैं, पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, प्रीपोजिशन भी आ जाते हैं, कंजंक्शन भी आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ शॉर्ट एडवर्ब आते हैं। तो इन सारे टर्म्स को मिला करके जो एक नया ग्रुप बनता है उसे हम लोग कहते हैं पार्टिकल्स। तो फ्रेंड्स, इसके बाद एक्सरसाइज 1 शुरू स्टार्ट हो जा रहा है। तो आप लोगों ने जो भी अभी तक स्टडी किया है, ठीक है, उसके आधार पर आप एक्सरसाइज 1 को आप खुद ही सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और इसके अगले वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। फ्रेंड्स, सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।